मैं दो लोगों की कयादत में काम करता हूँ, मैं मुफ्ती इस्माइल काश्मी साहब की भी कयादत में काम करता हूँ, मैं अपोजिशन लीडर शाहान हिंद की भी कयादत में काम करता हूँ। इसीलिए कि अब इस शहर में कांग्रेस को हटाने के लिए एक बड़े गठबंधन की जरूरत है। हाँ, सियासत में कुछ लोग मुफ्ती साहब के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं कि गठबंधन टूट जाए। वो गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते, वो शहर का नुकसान करना चाहते हैं, और ऐसे लोग इलेक्शनिंग मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस शहर में कि कोई तरीके से गठबंधन टूट जाए और कांग्रेस इख्तदार में आ जाए। ये एक मैच फिक्सिंग जैसा इलेक्शनी फिक्सिंग है। हम सियासत में कमर्शियल नहीं है, हमने सियासत में कभी खीसा भरो का काम नहीं किया। हम हमेशा खिदमत का दल ने भी अपना रंग ढंग बदल लिया, अब ये नई जनता दल है। इसमें अगर खलील मुकादम है तो यहाँ जाहिद जुम्मन भी बैठे हैं, बाकी भाई है तो रिजवान सर भी है। ये नई जनता दल है और यहाँ आए हुए जो लोग हैं ये भी साबित करते हैं कि ये नई जनता दल है, और यही नई जनता दल इस शहर में एक बड़ा गठबंधन बनाएंगी जो कांग्रेस के खिलाफ होगा। कारपोरेशन दिन हर चीजों को प्राइवेट देते जा रही है, प्राइवेट कंपनी को। मालेगांव शहर में अब ऐसा हो गया, अगर आप गौर करेंगे तो जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के खिलाफ आज अगर किसान आंदोलन हो रहा है तो वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हो रहा है कि निजी कार्य के खिलाफ वो लोग धरना आंदोलन कर रहे हैं, और वही हाल अब मालेगांव शहर में किया जा रहा है। प्राइवेट कंपनी लाने वाले कांग्रेस पार्टी के माजी आमदार आशीष शेख साहब, उनके वक्त में मालेगांव शहर में बिजली की प्राइवेट कंपनी आई, अब वो अपना रंग ढंग बताने लगी, मीटर अब बदली होने लगे, और उसके असरात शहर पे क्या पड़ेंगे ये पूरे शहर को अब दिख रहा है कि ये एक आजाब हमारे शहर पे 20 साल के लिए लाद दिया गया। उसके बाद प्राइवेट सर्वे घर पट्टी का कारपोरेशन ने दी, वो भी कांग्रेस पार्टी के लीडरान ने। आज प्राइवेट सर्वे देने की वजह क्या है? मुझे याद है कि जब निहाल साहब मेयर बने उस वक्त साहब कारपोरेशन की मुखालफत करते थे कि म्युनिसिपैलिटी ही रहने दो, मगर 1999 में हारने के बाद इन्होंने कारपोरेशन मालेगांव शहर पे लाद दी। मगर शहरियान को भी समझता था निहाल साहब की दूरअंदेशी, और 2002 के कारपोरेशन के इलेक्शन में भरपूर सीट जनता दल को दी गई, और उसके असरात ये थे कि जब डीजी फिलिप आया उस वक्त 350 रुपया घर पट्टी थी, वो 350 रुपया घर पट्टी जब बढ़ाने की तरफ गया, डीजी फिलिप भी उस वक्त यही चाहता था कि नई कारपोरेशन बनी तो नए टैक्सेस लाद दिए जाए, मगर वो निहाल साहब की हिम्मत अमली थी कि डीजी फिलिप के खिलाफ धरने पे बैठ गए, मगर घर पट्टी जो आज के जैसा बढ़ाना डीजी फिलिप चाहता था वो नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे थे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कोई काम अगर घर पट्टी का सर्वे होगा, आज किसी की 100 रुपया घर पट्टी आ रही है तो वो घर पट्टी उसकी 500 रुपया हो जाएंगी सर्वे में। तो ये नुमाइंदे आवाम के हैं कि ठेकेदार के हैं? मालेगांव में कांग्रेस पार्टी शेख रशीद खानवादा ये कभी अवामी नुमाइंदगी करता है ये बात मैं मानता ही नहीं, ये ठेकेदारों के नुमाइंदे, ये हर वो काम करेंगे जिसमें ठेकेदारी से ठेकेदार को फायदा हो और ये उसमें ठेकेदारी में पार्टनर रहे या इनका कमीशन मिले। यही सियासत मालेगांव शहर में 20 साल से हो रही है, नहीं तो ये वो शहर है जब 1999 में झूठा नारा लगाया गया तरक्की का, तो मुझे क्या ध्यान है हमारे बुजुर्ग दूसरे लोग बोलते भी हैं कि उस वक्त मालेगांव शहर की बराबरी हम नासिक औरंगाबाद से करते थे कि हम नासिक के बराबर है कि नहीं, हम औरंगाबाद से पीछे है कि उनके बराबर है। आज मालेगांव शहर की इस 20 साल में झूठा नारा लगाने वालों ने ये हैसियत कर दी कि मालेगांव शहर का ही एक हिस्सा नदी के उस पार का, अब मालेगांव के शहरियान बोलते हैं कि यार हम नदी के उस पार के हिस्से से पीछे हो गए। ये तरक्की इस शहर में 20 साल में कांग्रेस पार्टी ने दी है।
जो लोग नासिक और औरंगाबाद से अपना मुआवजा करते थे, अब बाजू के एक अपने ही शहर के नाम मालेगांव उससे अब हमारा मुआवजा कर रहे हैं। ऐसी हालत बनाने वाले इस शहर के कभी मुहाफिज हो ही नहीं सकते। इस शहर में हमेशा से हम ये बोलते आए हैं कि जनता दल ही इस शहर में बुनियादी काम करती है और जनता दल के वर्कर से लेकर जिम्मेदारान तक इनके अंदर दूर अंदेशी है। अगर हम स्काई वॉक की बात आगरा रोड पर बोलते थे, आज सारा शहर बोलता है कि वो फ्लाईओवर की जगह स्काई वॉक बनना चाहिए था उस वक्त, मगर वो बात हमारी नहीं मानी गई। आज जनता दल ने भी अपना रंग ढंग बदल लिया, अब ये नई जनता दल है। इसमें अगर खलील मुकादम है तो यहाँ जाहिद जुम्मन भी बैठे हैं, बाकी भाई है तो रिजवान सर भी है। ये नई जनता दल है और यहाँ आए हुए जो लोग हैं ये भी साबित करते हैं कि ये नई जनता दल है, और यही नई जनता दल इस शहर में एक बड़ा गठबंधन बनाएगी जो कांग्रेस के खिलाफ होगा। क्योंकि अब जो है, अब हम भी फिरका परस्ती के उस पे नहीं है, मगर अब हम नदी के इस पार तरक्की कैसे हो सिर्फ यही सोचने वाले हैं। रमजानपुरी में तरक्की कैसे हो अब हम सिर्फ यही सोचेंगे, मालदा में तरक्की कैसे हो अब हम यही सोचेंगे। हमारे लिए अब मालेगांव नदी के इस पार ही मालेगांव है और इसी मालेगांव को हमको बनाना है। इसीलिए रिजवान सर ने जो बोला कि यार अब हमको उन लोगों की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, तभी हम मालेगांव सेंट्रल को डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो इन चार सालों में 80% टैक्स देने वाला जो मालेगांव शहर सेंट्रल है वहां पर 20% काम हुआ, और जो 20% टैक्स नदी के उस पार देते थे वहां 80% काम हुआ। अब इस शहर में ये नहीं चलने वाला, इसीलिए हम एक गठबंधन बड़ा बनाना चाहते हैं जिसमें बुनियादी रूल नई जनता दल, जिसमें नौजवान तबका आज यहाँ मीटिंगों में आता है, ये हमको हौसला दे रहा है। और यही नई जनता दल एक बड़ा गठबंधन बनाएगा और मुफ्ती साहब को कयादत देकर हम क्लियर मेजॉरिटी चाहते हैं इस शहर में, ताकि इस शहर में 80% टैक्स देने वाले बुनकर, मजदूर, किराना दुकान वाला, फल्ली वाला, अगर कोई छोटी सी दुकान भी किराना खोला है तो उनके आसपास अब तरक्की का काम होना चाहिए। इसके लिए अब हमें नदी के उस पार की जरूरत ना पड़े, ऐसे हालात हमको बनाना चाहिए। क्योंकि तुम पानी का जो मामला है ये कोई छोटा मसला नहीं है, मगर हम भी जो है तलवाड़ा डैम का एहतजाज आखिरी हद तक जारी रखेंगे, और जितना मुमकिन हो सकता है हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आज तलवाड़ा से दाबाड़ी को दिए, कल दूसरे कई गांव को, तालुके को इनको देने की प्लानिंग है। यहाँ तक प्लानिंग है कि नदी के उस पार एक फिल्टर प्लांट बना लिया जाए और कल के तलवाड़ा का पानी नदी के इस पार ना आ पाए, ये है इनकी नियत। और इसके लिए सब लोगों को मिलजुल कर इस शहर में एक बड़ा गठबंधन बनाने की जरूरत है। मैं जो है जनता दल का सेक्रेटरी हूँ, महागठबंधन का राब्ताकार हूँ, मैं दो लोगों की क्यादत में काम करता हूँ। मैं मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की भी क्यादत में काम करता हूँ, मैं अपोजिशन लीडर शान हिंद की भी क्यादत में काम करता हूँ। इसीलिए कि अब इस शहर में कांग्रेस को हटाने के लिए एक बड़े गठबंधन की जरूरत है। हाँ, सियासत में कुछ लोग मुफ्ती साहब के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं कि गठबंधन टूट जाए। वो गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते, वो शहर का नुकसान करना चाहते हैं, और ऐसे लोग इलेक्शनिंग मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस शहर में कि कोई तरीके से गठबंधन टूट जाए और कांग्रेस इख्तदार में आ जाए। ये एक मैच फिक्सिंग जैसा इलेक्शनी फिक्सिंग है। हम सियासत में कमर्शियल नहीं है, हमने सियासत में कभी खीसा भरो का काम नहीं किया, हम हमेशा खिदमत करते रहे। हमारा अव्वलीन काम ही सियासत में खिदमत करना है और उसी को लेकर हम काम काज करते हैं और इंशाअल्लाह काम काज करते रहेंगे। मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो तीन सवाल इस शहर के बुनियादी हैं, अभी कारपोरेशन के इलेक्शन को एक साल का वक्फा है,